नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करें अपने नए दिन के लिए, अपने डेली दिनचर्या के लिए, कैसे उसको अपने साथ हमेशा के लिए महसूस करें। जब मैं रोज सुबह उठती हूँ तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ इस नए जीवन के लिए, एक नए दिन के लिए, इस संसार को बनाने वाले, इस जहान को बनाने वाले, हम सब को बनाने वाले वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो एक ही है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन वो एक ही है। भगवान को दोस्त बना लो। आप जो भी काम करो, आप जब भी घर से निकलो, आप ये बोल के निकलो कि हे प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और उसको हर पल अपने साथ महसूस करो, आपका हर काम बनता जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो इच्छा है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो सारी अपने आप बिना मांगे पूरी हो जाएंगी। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। हमारे हर पल, हमारे कदम कदम पर वो हमारे साथ होते हैं लेकिन हम उन्हें याद ही नहीं करते हैं। तो हमेशा उनको याद रखें, जब भी कोई काम करें, जब भी तो एक सेकंड के लिए आप उसका नाम लेकर उस काम की शुरुआत करें, आपको किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब भी कोई समस्या आए तो वो हमारे साथ होते हैं, उसको धन्यवाद बोलें, उसको थैंक यू बोलें कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो समस्या आई थी तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन आप एक अकेले थे जो मेरे साथ थे और मैं उन समस्याओं से बाहर निकल पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया करूं तो तेरा कहाँ तक करूं, मैंने सर झुकाए कम तेरे एहसान बहुत हैं। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करें, आप ये सोचें कि यही मेरे भगवान हैं। बीते हुए कल को जाने दो और आज एक नए दिन की शुरुआत कीजिए। जितने बेहतर आप बन सकते हैं बनिए, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक भगवान आपको लेकर जाना चाहते हैं। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा होता है, आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं है। तो अपने नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और उस ईश्वर को अपने साथ हमेशा महसूस करें, और गॉड आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।